Uy, तोबा। भाई जैसे उसने कुछ कहा है। उतर करे मतलब कैमरा। तो क्या हमसे गलती हुई है जो हम आपकी इस जगह पर आए हैं? अगर हमसे गलती हुई है तो हम इस चीज़ की माफ़ी चाहते हैं। हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। क्या मैं इस कमरे के अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं इस कमरे के अंदर आ सकता हूँ? खामोश, खामोशी तो इस चीज़ की गवाही दे रही है कि जैसे वो चीज़ चाह रही हो कि मैं अंदर जाऊं। भाई कमरे का हाल तो देखें आप, इसमें जाना मुनासिब है? भी एक बार मैं कहता हूँ कि मुझे अंदर लग से रहा है ना भाई जैसे सालों से इसमें कोई नहीं गया हो यार। एक बार दोस्तों को भी ना यार दिखा दें एक बार कमरा ना अंदर से। लेकिन आवाज़ जो है ना वो इस जगह से आई है, इस कमरे के अंदर। इसी कमरे के अंदर वो चीज़ है जैसे उस मखलूक का बसेरा जो है ना वो ये कमरा है। एक तो बातें हैं वो मैं क्यों ये कहना चाह रहा हूँ वो ज़रा मेरी बात ज़रा दोस्त भी ज़रा सुनिएगा। मतलब एक तो उन्होंने कहा जी कि इन दरख्तों के ऊपर कोई भी परिंदा अब आकर जो है वो नहीं बैठता, ना हमने देखा है। अगर कोई आता है तो वो मरा हुआ मिलता है, वो निशानी हमने देख ली है। पहली बात हो गई जी। दूसरी बात ये है जी कि अमूमन दरख्तों पर जो है ना वो अक्सर घोंसले जो हैं वो बना लिए जाते हैं। वो कहते हैं जी कि जब हमने इस दरख्त को काटना था ना उससे पहले थे इस जगह घोंसले, परिंदे भी आते थे बैठते थे, रातों को उन परिंदों का भी यहाँ पर बसेरा था, वो रहा करते थे। लेकिन जब से इस दरख्त को काटा गया है, ये जो हमने आप दोस्तों को दिखाया है, मतलब भाई दिखा दें नीचे एक बार, इस दरख्त को जब काटा है तब से कहते हैं जी कि जब मामलात हुए हैं तो यहाँ पर कोई भी परिंदा नहीं आता। अगर कोई आ जाता है तो वो मरा हुआ ही मिलता है, ये निशानी हमने देख ली है। इसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है, मदर भाई जो चिड़िया आपने देखी है जो हमारे कैमरे के सामने से गुजर के गई है, वो कहाँ से आई है? उससे पहले वो चिड़िया कहाँ थी? उसके फड़फड़ाने की आवाज़ पहले कहाँ थी? हमने तो नहीं सुनी रोशनी। हम इधर भी आए हैं, इधर भी हमने जो है वो भाई इतने घंटे हमने यहाँ पे स्टे किया। उस वक्त वो कहाँ थी? इस कमरे के अंदर गए हैं आई थिंक सो, ये शायद वॉशरूम है या मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि अंदर गर्दो गुबार इतना है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। दूसरी बात मदर भाई, इस दरख्त को जो है वो काटा गया है यहाँ से, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि ये वाला जो दरख्त है ये लग भी ऐसा रहा है कि बहुत पहले से जो है ये काटा गया है। इट मीन्स कि उस चीज़ का जो साया है हो सकता है इस दरख्त पर ना हो, पहले उस दरख्त पर हो, ठीक है, क्योंकि वो दरख्त जो है वो बड़ा भी है और पुराना भी लग रहा है। तीसरी बात जो मैंने नोट की है और हमें आवाज़ जो है वो इस कमरे से आई है, अमूमन हम खुशबू के लिए जो है वो अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, ये किचन है, किचन में कौन अगरबत्ती का इस्तेमाल करता है? ये देखें यहाँ पर जो है वो अगरबत्ती लगाई गई है, ये देखें। और पीछे 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 जैसे उस रूम के पास गए हैं ना अल्लाहु भाई, अकबर, अंदर कोई है, मतलब भी अंदर कोई है, अंदर कोई है शरीफ। अंदर कोई है। भैया क्या बता रहे थे? मतलब भी मैं बता रहा था कि ये देखें ये अगरबत्तियाँ जो हैं वो इस दरवाज़े के अंदर जो हैं वो लगाई गई हैं, ये अमूमन खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और किचन में इन अगरबत्तियों का क्या काम है? कोई काम भी नहीं है भाईजान इस जगह का, कम अज़ कम। और ये क्यों लगाई गई हैं इस जगह?
से अंदर से आ रही है। देखें कि आपको खुशबू पसंद है, क्या मैं इस जगह खुशबू का इस्तेमाल करूं? क्या आप चाहते हैं कि हम इस जगह खुशबू का इस्तेमाल करें? क्या मैं अंदर आ जाऊं? देखिए, बस थोड़ी देर के लिए हम अंदर आना चाह रहे हैं। क्या हम अंदर आ जाएं? अगर आप चाहते हैं कि हम इस कमरे के अंदर आएं, तो किसी भी किस्म की मूवमेंट करके, किसी आवाज़ की सूरत में आप हमें जवाब दे सकते हैं, लेकिन बगैर नुकसान पहुंचाए। हजर भाई, ये ऊपर 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 उधर उधर गैलरी में दिखाएं, गैलरी में दिखाएं। मुझे लगा है उस गैलरी में के अंदर से आवाज़ आई है, ये वाली जो गैलरी बनी हुई है। ये हजर भाई, यहाँ क्या है, इसी के अंदर से आवाज़ आई है, मुझे ऐसा लगा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे महसूस ऐसा ही हुआ है, जैसे ना इसी गैलरी के अंदर जो है वो कुछ ऐसा है। दिखा दिए? जी, मैंने वहाँ पे कैमरा थोड़ी देर के लिए रोका है। आवाज़ मतलब ही अलबत्ता आई है। इधर भी, इधर तो कोई भी नहीं है। इधर फिर दिखाइएगा मदर भाई, इधर आइएगा ज़रा। मदर भाई, अब स्मेल आना शुरू हो गई है। पीछे हो जाना मदर भाई, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, फिलहाल पीछे हो जाए। स्मेल आना शुरू हो गई है और बहुत गंदी स्मेल आई है। अब वो चीज़ आ चुकी है इधर, मैं बता रहा हूँ। ये सुनिए आवाज, अल्लाहू अकबर। देखें, ये कमरा क्या आपका ठिकाना है? आप इस कमरे में रहते हैं? कुछ ही मिनट के लिए हम इस कमरे के अंदर आएंगे और फिर इस कमरे से बाहर आ जाएंगे। अगर आपकी इजाज़त है तो क्या हम इस कमरे के अंदर? नहीं भाईजान, नहीं नहीं भाईजान, नहीं। अल्लाह मतलब अभी जो है वो अभी कॉल जो है वो बिज़ी कर दें आप, ठीक है। ये जो मामलात है ना जी, ये ख़राब हो रहे हैं इस जगह। अल्लाह अकबर, उस साइड पे मदर भाई कीजिएगा कैमरा अपना, उस साइड पे करें। अकबर, जिस तरह मदर भाई है, कुछ अंदर रिकॉर्ड हुआ है मदर भाई? कैमरा मेरे ख्याल में हमारा इधर ही था, कुछ रिकॉर्ड हुआ? किसी चीज़ की हिलने की आवाज़ आई है इधर? भाई यहाँ पे सब कुछ स्टिल पड़ा हुआ, लेकिन जब हम पास जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे ना बहुत ही अंदर शोर हो रहा है किसी चीजों का गिरने का। भाई पीछे पीछे पीछे, शरीफ भाई पीछे। असल ये जो कुर्सी पड़ी है मतलब भाई, इसके ऊपर तो नहीं किसी किस्म के कोई निशानात तो नहीं है इसके ऊपर? भाई वो तो आगे जाके देखना पड़ेगा।
देखिए, हम अंदर आ रहे हैं, खुदारा किसी भी किस्म का नुकसान मत पहुंचाइएगा। बस कुछ ही मिनट के लिए अंदर आएंगे और फिर इस कमरे से हम बाहर आ जाएंगे। मुझे पता है कि ये आपकी जगह है। ईंट की आवाज़ आई है मतलब भाई। ये देखिए, मैंने पहले आपको बोल दिया है। अब मुझे मतलब भाई एक बार ना दोबारा फिर से वो गैलरी दिखा दीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उस गैलरी के अंदर वो चीज़ है। भाई ये आप देख रहे हैं, ये देखें सर, मैं देख रहा हूँ भाई। मतलब अच्छा, वो जाले, पूरे जो जाले हैं ना, उन्होंने कवर कर दिया है पूरी वो जो गैलरी है उसके उसके एंट्रेंस को। बस भाई हिम्मत करके कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करेंगे। बिस्मिल्लाह तवक्कल दो लल्ला। ये तो ऐसे जैसे वो चीज़ बहुत गुस्से में हो। देखिए, नुकसान मत पहुंचाइएगा। मुझे पता है कि आप हैं, इस जगह अंदर ही हैं। खुदा का नुकसान मत पहुंचाइएगा बस। फिर भी ख्याल से बिस्मिल्लाह तवक्कल ऐसा तो भी अल्लाह। चाहिए अपना। इस जगह बेतहाशा परिंदे मरे पड़े हैं, उनके पिंजर पड़े हैं, इस जगह पंख पड़े हैं उनके। और इंतहा की गंदी बदबू आ रही है इसमें। वही मैं अंदर आके दिखाऊं, आ जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर आइएगा। और दायां पांव जो है वो अंदर रखिएगा पहले। वही भाई बहुत तेज हवा चल पड़ी है अचानक ही, ये देख रहे हैं क्या सिर्फ इसी दरख्त पर या इसी दरख्त पे। मतलब एक बार अंदर आ जाइएगा। अल्लाह अकबर, ये सारा एक बार दिखा दें। ठीक है, ये नीचे भी दिखाइएगा। ये देख रहे हैं जी। ठीक है, ख्याल से यार डरा दिया यार मुझे। वाले रूम से आवाज आई है भाई। मुझे लगता है पता नहीं हमने ठीक किया है गलत किया है भाई। ये ये नीचे नीचे से आप रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि दोबारा इस कमरे में नहीं आना। बड़े सुकून से अभी हम फिलहाल यहां पर खड़े हैं, उस चीज से इजाजत ली है। भाई जन वो बाहर है इस वक्त, वो चीज़ बाहर है। मतलब ये फटाफट वो ये कुर्सी को रिकॉर्ड कर लें, जाले रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, नीचे जितनी भी ये जो पंख पड़े हैं, पिंजर पड़े हैं जानवरों के, हड्डियाँ पड़ी हैं उनकी, ये रिकॉर्ड कर लें। अपने वो राइट साइड पर भी देखें, वो उधर, ये कुछ जानवर यहाँ पर भी मरा पड़ा है। अल्लाह
पीछे निकल 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 निकलो 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 यहाँ से, निकलो यहाँ से। अल्लाहु अकबर। रिकॉर्ड किए भाई? वो रिकॉर्ड हुए। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। भाई ये देखें, ये देखें, पहले हवा चल रही थी। नहीं इधर आ जाओ, बस इधर आ जाओ। इनफ इज इनफ। भाई भाई कितनी तेज हवा और अंदर हीट देखी भाई आपने। मतलब भाई हवा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पत्तों का लग रही है भाईजान, और कोई भी ऐसा दरख्त, तीन दरख्त लगे हुए हैं, तीन चार लगे हुए हैं, सिर्फ वो हिल रहा है और कोई नहीं हिल रहा। ये नोट करें आप, ये स्टेल है तो बाकी के दरख्त क्यों नहीं हिल रहे, सिर्फ वही क्यों हिल रहा है? इट मीन्स कि उस जगह कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ खड़ी हुई है, और जैसे हम बाहर आए वो चीज़ दोबारा फिर से अंदर गई है। मुझे लग रहा है मज़र भाई ये वाली, ये यहाँ यहाँ से आवाज़ आ रही है, और ये जो जगह है इसके अंदर हम खैर जा तो नहीं सकते, तो नहीं सकते भाई, किसी सूरत नहीं जा सकते हम। ठीक है, मुझे लग ऐसा रहा है कि उसका मस्कन जो है वो ये भी है। अगर कोई यहाँ पे सीढ़ी होती ना हमारे पास तो हम चले भी जाते, जाते हैं। चले जाते हैं। ये मतलब एक बार अंदर जाके ये दिखा दीजिएगा, चारों तरफ से अंदर से भी ये दीवारें, कहीं कोई घोंसला तो नहीं है किसी परिंदे का? बस ठीक है, अगर नहीं ये हो रहा। हाँ नीचे से भी मतलब ये दिखा दीजिएगा, बस ठीक है। आ जाएँ आ जाएँ बात, इससे पहले कोई नुकसान हो खुदा ना खास्ता। मतलब भाई इतना टाइम हमने गुजार लिया है, मैंने जो यहाँ पर महसूस किया है ना, जितनी भी एक्टिविटीज़, अभी ये किस किस्म की आवाज़ थी? अभी टटहरी आ गई।